हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल अनमोल वचन। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ खून की कमी को दूर करने का आसान और घरेलू उपाय। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। हमारे शरीर में खून की कमी कई कारण से हो सकती है। खाने में पौष्टिक तत्व की कमी होने से हमारे शरीर में आयरन पर्याप्त नहीं हो पाती, जिससे हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और साथ ही हमें कई गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि खून की कमी को दूर करने के क्या क्या घरेलू उपाय हैं। लेकिन इसके लिए आपको हमारी वीडियो को अंत तक देखना होगा, जिससे कि आपको इसकी पूरी जानकारी मिल सके। आइए तो जान लेते हैं इसके लिए हमें क्या करना है। आइए अब जान लेते हैं कि खून की कमी को दूर करने के घरेलू उपाय क्या क्या है। पहला उपाय, सेब। सेब में आयरन भरपूर मात्रा में होता है। अगर आप रोज एक सेब का सेवन करते हैं तो इससे पूरे दिन की आयरन की पूर्ति हो जाती है और धीरे धीरे खून की पूर्ति भी होने लगती है। उपाय नंबर दो, चुकंदर। चुकंदर खून को बढ़ाने का बहुत ही अच्छा स्रोत है। अगर आप रोज चुकंदर का एक ग्लास जूस पीते हैं तो इससे भी खून बढ़ता है। आप चाहे तो चुकंदर का सलाद व सब्जी के रूप में भी सेवन कर सकते हैं, इससे भी आपको बहुत लाभ होगा। उपाय नंबर तीन, टमाटर। टमाटर भी खून को बढ़ाने के लिए मदद करता है, इसलिए आपको टमाटर का सेवन करना चाहिए। आप चाहे तो टमाटर का सूप भी बनाकर पी सकते हैं और सलाद के रूप में भी इसका सेवन कर सकते हैं। उपाय नंबर चार, अनार। अनार खून को बहुत तेजी से बढ़ाता है और साथ ही ये खून की सफाई भी करता है, इसलिए आपको रोज एक अनार का सेवन जरूर करना चाहिए। आप इसका जूस भी बनाकर पी सकते हैं, इससे भी आपको बहुत लाभ होने वाला है। पांचवा उपाय, पालक। पालक भी खून की पूर्ति करने के लिए बहुत ही अच्छा स्रोत है, क्योंकि पालक में भी आयरन बहुत मात्रा में पाया जाता है, इसलिए आपको पालक का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। आप पालक की सब्जी बनाकर खा सकते हैं या फिर रोज इसका एक ग्लास जूस निकाल कर भी पी सकते हैं। नियमित रूप से ऐसा करने से कुछ ही दिनों में खून की पूर्ति हो जाती है। अपने शरीर में खून की पूर्ति करने के लिए आप इन सभी आहारों का सेवन करें और अपने आप को तंदुरुस्त और स्वस्थ बना के रखें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल अनमोल वचन को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।